हरियाणा सरकार की तरफ से जाट समुदाय के उन परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है जिनके सदस्यों की फरवरी 2016 में हुए जाटों के हिंसक आंदोलन में मौत हो गई थी। सरकार का कहना है कि इन परिवारों के आश्रितों को 30 मई तक नौकरी के नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। जाट आंदोलन में मारे गए लोगों के सभी आश्रितों को हरियाणा सरकार 30 मई तक नौकरी का नियुक्ति पत्र दे देगी। ये फैसला जाट आंदोलन में मारे गए लोगों की मदद के लिए गठित कमेटी की बैठक में लिया गया। कमेटी के मुताबिक सरकार के पास मृतक परिवारों की तरफ से 30 आवेदन आए थे जिनमें दो को नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है। फरवरी 2016 के अंदर जिनकी जाने गई थी उनको रोजगार की बात थी, तो 31 लोगों में से अभी तक हमारे पास 30 लोगों के निवेदन आए हैं। 30 में से दो लोगों को हमने अभी तक ज्वाइन करा दिया है। 30 मई तक बाकी 28 लोगों का हम नियुक्ति पत्र दे देंगे और उनके सबसे नज़दीक के स्थान पर उनको नौकरी उपलब्ध कराने की हरियाणा सरकार की योजना है। ज़्यादातर उसमें उनकी विधवाएं हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उनको रोजगार घर के आसपास दिया जाए, इस सोच को लेकर हमारी सरकार चल रही है। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज संगीन मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार केवल उन्हीं मुकदमों पर विचार करेगी जो वापस लेने योग्य होंगे। जो संगीन मामले हैं उन मामलों के ऊपर तो क्योंकि सरकार भी कुछ नहीं कर सकती उसके अंदर, परंतु जो वापस होने के उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके उनको प्रसन्नति बना करके उनको वापस भी लिया जाएगा। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि जाटों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बीच जाट संगठन एक बार फिर से 23 मई को हिसार में सम्मेलन कर आगे की रणनीति तय करने का ऐलान कर चुके हैं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।